सितारे जमी के बुझे जा रहे हैं, हमारे अकाबिर अक्सर उठे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़राते गिरामी, तकरीबन 3 रोज कबल शाम के 5:30 बजे मेरे एक दोस्त मौलाना राहिल अनवर पुरनवी के ज़रिए ये ख़बर मौसूल हुई कि उस्ताद मुहतरम नमूने असलाफ दामाद शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कामलवी रहमतुल्लाहि अलैह एशिया की अजीम दीनी दरसगाह जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के नाज़िम आला हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाहि अलैह इस दार फ़ानी से पूछ कर गए। ये खबर पहुँचती ही दिल खून के आंसू रोने लगा और दिल पर एक ऐसा ज़ख़म लगा जिसका दर्द थमने ही का नाम नहीं ले रहा है और खून है कि बूंद बूंद टपकता ही जा रहा है। लेकिन क्या करें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इस दार फ़ानी में जो भी आया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से रुख्सत कर जाना है। यूँ तो आने जाने का सिलसिला हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन हमारे हजरते उलमाए किराम का इस दौर में आए दिन इस दुनिया से रुख्सत हो जाना ये उम्मत मुस्लिमा के लिए खसारे की बात है। क्योंकि एक आलिम की मौत सिर्फ आलिम की ही मौत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मौत है। एक एक करके हमारे अकाबिर का, हमारे उलमाए किराम का इस दुनिया से उठना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। क्योंकि जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस निज़ाम आलम को ख़त्म कर देंगे। हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन मिन सुदूरिल उलमा वलाकिन यक़बिज़ुल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे कि उलमा के सीनों से इनको उठा ले, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उलमा इकराम को ही उठाना शुरू कर देंगे। फ़ैज़ा लम यबका आलिम, फिर जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा इत्तखज़न नासु जुहालन रुअसा, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। अफ्तौ बिगैर इल्म, वो बगैर इल्म के फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे। वज़ल्लू, और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। हज़रात गिरामी, मैं किस जुबान से हज़रत रहमतुल्लाह यारे की तारीफ करूं? हज़रत अपनी मिसाल आप थे, लेकिन हकीकत बयानी भी कोई चीज़ है। हज़रत एक साहिब निस्बत बुजुर्ग और खुदा रसीदा बुजुर्ग थे, मियाना रवि, उनकी एक ख़ास सिफत थी। हज़रत शेखुल अरब वल अजब, शेखुल मशाइख हज़रत अक़दस शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह के ना सिर्फ शागिर्द रशीद बल्कि मुरीद बासफा, खलीफ़े अजल और चहीते दामाद भी थे। हज़रत इस दौर में अपनी मिसाल आप थे, एक शानदार खतीब और बेमिसाल उस्ताद हदीस थे। मैंने उनसे मुस्लिम शरीफ दोनों जिल्दें पढ़ी और मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत का जो बच्चों को समझाने का अंदाज़ था और जो दरसगाह में हज़रत तकरीर करते थे, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कि हज़रत जब बयान करते या जब समझाते तो जो उनसे कुन ज़हीन तालिब इल्म होता, जो कमज़ोर दर्जे का तालिब इल्म होता, वो हज़रत की तकरीर सुनने के बाद
उनके जहन में बात समझ में आ जाती थी। हजरत पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते और अपने कभी कभी दौरान अपने अकाबरीन का हजरत तस्किरा फरमाते थे। हजरत गंगोही रहमतुल्लाही अलैह ऐसे थे, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाही अलैह ऐसे थे। उनके कारनामे ये हैं, बच्चों को अपने अकाबरीन के बारे में याद दिलाते रहते थे। एक मरतबा जब मैं मजार नूर में मिशकात के साल में पढ़ रहा था, मिशकात के साल में था, तो खत्मे बुखारी के दिन हजरत मेरे शेख शेखुल अरब वल अजम शेखुल मशाइख हजरत अकदस मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाही अलैह दौरे हदीस पढ़ाने के लिए पहुंच गए और हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं पहुंच पाए थे। तो हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी बच्चे के जरिए ये खबर भिजवाई कि जाओ और हजरत नाजिम साहब को कह दो कि मौलाना हजरत अख्तर शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। ये खबर सुनना था कि हजरत बावजूद ये कि पैर से मासूर थे, असा लेकर चला करते थे, नहीं चल पाते थे, फिर भी हजरत लपकते हुए दौड़ते हुए हजरत दारुल हदीस में पहुंच गए और बैठकर रोने लगे हजरत अख्तर शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने। और मैंने ये भी देखा और इखलाके हसना हजरत के रगो रेशा में पेवस था। जब कोई भी आदमी चाहे वो बाहर से तशरीफ लाया हो या अपने इलाका से आया हो, हजरत अगर मौका होता तो उनको गले में लगा लेते, और अगर मौका ना होता गले में लगाने का तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह मसाफा जरूर फरमाते और बैठाते और उनके साथ बातें करते जामिया के बारे में। उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन अंदाज में उनकी मेहमान नवाजी किया करते थे। मैं जब दौरे के साल में आया तो मुझे बुखार लगा, तो मैं दरख्वास्त लिखकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया और कहा क्या बात है। मैंने कहा कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दरख्वास्त लाओ। दरख्वास्त लेकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर दस्तखत किया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जल्द से जल्द शिफाए कामला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए। हजरत ने बहुत सारी दुआएं दी और हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बखैर व आफियत मंजिल मकसूद तुम्हारे वतन असली तक पहुँचा दे। ये थे हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो हर छोटे बड़ों के साथ इखलाक हसना के साथ पेश आना, ये उनकी सिफत कमाल थी, आदत बन चुकी थी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा, मैं 2 साल मज़ाहिर उलूम में रहा, मैंने हजरत को देखा कि कभी आप बनियान नहीं पहनते थे, बगैर बनियान के और पैर कमजोर होने के बावजूद हजरत रहमतुल्लाह अलैह मोटरसाइकिल पर बैठकर मज़ाहिर उलूम आते और निज़ामत की फराइज को संभालते। हजरत रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया भुला ना सकेगी, क्योंकि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जामिया मज़ाहिर उलूम को बेमिसाल तरक्की मिली, नए नए शोबे जात और खुशनुमा इमारात हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर ही में इसका इफ्तिताह हुआ और पूरे के पूरे इमारात हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुकम्मल हुए। और दौरान सबक जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बाद पढ़ने के लिए बच्चों को कहते तो हमारे आए चलो बच्चों पढ़ो, लेकिन हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर बच्चों पढ़िए इबारत पढ़िए, ये थी हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ु। बच्चों को कहते कि बच्चों इबारत पढ़िए और बच्चों के साथ जी के साथ बात किया करते थे, जी बच्चों चलो क्या हाल है, इस तरीके से हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह बात किया करते थे। मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह की शान में क्या बयान कर सकता हूँ, बस टूटी फूटी लफ्ज़ों में जो मुझसे हुआ मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का निअमुल बदन दूर दूर तक दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में जगह अदा फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए और उनके सय्यात को दरगुजर फरमाए, और उनकी जो मजाय रूम के लिए खिदमतें थी अल्लाह तबारक व तआला इनको मकबूल फरमाए और तमाम पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और आपके जितने भी शागिर्दान रशीद है उन तमाम को जिस तरीके से आपने उनको इल्म अता किया उसी तरीके से इल्म को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और जामिया मजाहिर उलूम को अल्लाह तबारक व तआला हजरत के नियमत बदल अता फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।